हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं ऐसा पौधा लेके आई हूँ जिसका जड़, तना और पत्तियाँ सब हमारे बहुत काम की होती है, बहुत अच्छी सब्जी से बनती है और बहुत ज़्यादा गुणकारी ये फ़ायदेमंद हमारे लिए पौधा है। ये दो तरीके से होता है कि ब्राउन कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का हमें नहीं यूज करना है, इसकी जड़ ही हमारे काम आती है। और जो ग्रीन कलर का है, इसका जड़ के साथ साथ तने और पत्तियाँ भी हमारे बहुत काम की होती हैं, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि कैसे हम इसका यूज़ करें। इस तरीके से मैं इसके काट लूँगी तना और पत्तियाँ, ये देखिए। और मैंने इनमें से पत्तियाँ अलग कर ली हैं। पत्तियों का मैं दो पार्ट में मेरा ये वीडियो बनने वाला है, तो पार्ट टू में मैं पत्तियों का कैसे यूज़ करना है वो मैं लेके आऊँगी। ये पार्ट वन है, इसमें मैं इसके तनों के मैंने सारे रेशे हटा लिए हैं। इसको अच्छे से छील के इस तरह से रेशे निकाल लेंगे हम। हमारे पहाड़ में से गडेरी और पिनालू के नाम से इसको जाना जाता है, वैसे अरबी भी इसको बोलते हैं। मई जून में इसे बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी फसल तैयार हो जाती है। गडेरी कैंसर, आंखों की बीमारियां, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी कई बीमारियों में औषधि के रूप में काम करती है। इसमें मौजूद फाइबर और स्टार्च हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और मैग्नीशियम, जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हमारे मांसपेशियों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं, अमीनो एसिड और ओमेगा 3 ऑयल भी, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक कोशिकाओं की संरचना में हेल्प करता है, वो भी पाया जाता है। हमारे पहाड़ में कई तरीके से बढ़िया बनाई जाती है, जैसे ककड़ी की, पेठे की या मूली की, और पापड़ की बढ़िया भी बनाई जाती है। इसे पापड़ की बढ़िया, पापड़ भी बोला जाता है इसके तनों को, तो पापड़ की बढ़िया मैं आज बना रही हूँ। हम पहले इसे बना कर स्टोर कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और फिर साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं और आराम से जब मर्जी आए तब बना लेते हैं। तो इस दो तरीके से इसे हम या तो ऐसे महीन महीन चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेंगे, और या तो फिर इसे इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। और इसे ग्रेट करते समय हाथों में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल जरूर लगा लें, क्योंकि थोड़े हल्के से इचिंग इससे हो सकती है हाथों में। ये बढ़िया हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती हैं। ये मैंने कुछ ग्रेट कर लिए थे और कुछ मैंने अच्छे से चॉप कर लिए थे पहले ही। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है हम इसे स्क्वीज कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो एक्स्ट्रा थोड़ा खरास है वो भी निकल जाए इससे, और बड़ी भी हमारी जल्दी सूख जाएगी। और थोड़ी मैंने उड़द की दाल ली है, ये उड़द की दाल कम से कम हमें 6 से 8 घंटे ज़रूर भिगानी है, या ओवरनाइट आप इसे भिगा के छोड़ दीजिए। ये दाल हमारे अच्छे से भीग के फूल चुकी है, अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा हींग इसमें डाल के हम इसे पीस लेंगे, और पीसते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसे थोड़ा आपको गाढ़ा सा पीसना है। ऊपर से थोड़ा हींग और डाल देंगे इसमें। मैंने यहाँ पे करीब 500 ग्राम धुली उड़द की दाल ली हुई है, और जो हमने पापड़ ग्रेट करा हुआ था या चॉप करा हुआ था
उसे हम इसमें अच्छे से मिक्स करके इसे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए फेंट लेंगे, ताकि जो हम बड़ी बनाएं तो वो हमारी बड़ी लाइट वेट बताशे जैसी बने। आप चाहें तो इसके पौधे को बीज से आसानी से गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, गमले में भी ये बहुत आसानी से हो जाता है। जितना ज़्यादा आप फिटेंगे से बढ़िया उतनी अच्छी बनती है। ये मैंने एक टिन को अच्छे से धो के सुखा लिया है। सबसे पहले हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे इसमें, ताकि हमारी जो बड़ियां हैं वो इससे ना चिपके और टिन में बहुत अच्छी बनती है, बड़ियां बहुत जल्दी सूखती हैं। इस तरीके से छोटी छोटी बड़ियां हम डाल लेंगे। बढ़िया मेरी पूरी डल चुकी है। अब हम इसे 3 से 4 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। इस तरीके से पूरे दिन हम इसे धूप में रखे रहेंगे, ताकि अच्छे से सूख जाए। लीजिए, बड़ी हमारी सूख के रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब तैयार करते हैं इससे एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश, हमारी पहाड़ी डिश बड़ी भात। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, इसे चॉप कर लिया है, और कुछ मैंने लहसुन लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है, और टमाटर 2 ले रही हूँ मैं, मोटे मोटे चॉप कर लूँगी इनको। इसी तरीके से सब चॉप हो चुके हैं, एक हरी मिर्च चॉप कर लेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम गेहूं का आटा भून के अलग से रख लेंगे। आटे को हल्के ब्राउन होने तक हम भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए, आटा हमारा अच्छे से भून चुका है। एक पैन में हम थोड़ा तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, और जो बढ़िया है ये हम इसको पहले इस तरीके से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। इससे बड़ी में बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। थोड़ा पहले जीरा डाल दिया, थोड़ा लहसुन डाल के, प्याज डाल के अच्छे से सॉटे कर लेंगे, कुछ हरी मिर्च डाल के। कुछ लहसुन मैंने क्रश कर लिए थे वो मैंने डाल दिए हैं, ऊपर से टमाटर डाल के, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ऐड करके ढक देंगे टमाटर के गलने तक। टमाटर हमारे गल के रेडी हो चुके हैं। ऊपर से जो आटा हमने भुना था, भुना आटा हम इसमें मिक्स करके पानी डाल देंगे, और इसे कम से कम 20 से 25 मिनट हमें पकाना है। और ऊपर से जो बड़ियां हमने फ्राई करी थी वो हम इसमें मिला लेंगे, और इनके बड़ी के सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। लीजिए, टेस्टी और यम्मी डिश हमारी तैयार है। इसे गर्मा गर्म पहाड़ी चावल के साथ हम सर्व करेंगे। हैप्पी ईटिंग। मिलते हैं जल्दी ही इसी के पार्ट 2 ब्लॉग में, इसके पत्तियों की मज़ेदार और यम्मी टेस्टी डिश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।